प्रिय विद्यार्थीगण, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th के क्लास में सेट थियरी हम लोगों का चल रहा है। सेट्स फर्स्ट लेसन आपके मैथमेटिक्स में सेट चलता है। उस सेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट क्लास में बता चुका था। लास्ट मेरा जो भी क्लास आप देखेंगे मैं लिया हूँ, एक ही क्लास अभी तक हुआ उसमें हम बता दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, खैर ये टॉपिक मैं उसमें बता दिया था, रोस्टर और टेबुलर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड्स। क्या है ये? किसी सेट को हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर और टेबुलर। टेबुलर का हिंदी होता है सारणी, सारणी मेथड विधि, या सेट बिल्डर मेथड। बिल्डर मैंने बनाना, निर्माण विधि, उसका हिंदी टर्म बता दिए हैं। इन दो विधियों से किसी सेट को हम दर्शाते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता, सेट के बारे में बताया था। सेट आप लोग उस क्लास को देखेंगे और उसको समझेंगे सेट के बारे में क्या बोला था। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने कहा था कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्कस मैं उसमें किया हूँ, उसको आप देखेंगे। नहीं समझ में आता तो आप क्वेश्चन करिए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन मुझे समझ में नहीं आया, आप क्वेश्चन करोगे तभी हम बताएंगे। आज हम सेट को टेबुलर मेथड एंड बाय बिल्डर मेथड हम शो करते हैं। कैसे शो करेंगे? नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, यहाँ समझें। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर जीरो नहीं लिखते तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। जीरो लिख दिया इसलिए इक्वेशन है। अब इसके रूट्स हम फाइंड करें, इसके रूट्स के लिए, फॉर इट्स रूट्स, इट्स रूट्स, इसके रूट्स के लिए हम क्या करेंगे? आप इसको स्प्लाइट करेंगे, इसको दो भागों में थ्री को डिवाइड करोगे। यहाँ देखो, यहाँ ऐसा कोफिशियंट कुछ नहीं है तो यहाँ वन है, कोफिशियंट वन, वन इंटू टू इक्वल टू टू। अब इस वन इंटू टू को हम ऐसे टू पार्ट में डिवाइड करें जिन्हें कहा सम, यानी का डिफरेंस, कोफिशियंट ऑफ एक्स के इक्वल है। तो हम देखते हैं थ्री इक्वल टू, यहीं से हमको मिल गया, वन प्लस टू लिखें या टू प्लस वन लिखें, यही टू प्लस वन हम यहाँ पुट कर लेंगे। इसी टू प्लस वन को इस थ्री के जगह पर आप पुट करो तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखें, इसमें दोनों ओर से मल्टीप्लाई है, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा, एक्स का मल्टीप्लाई है, माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स, ये वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब देखो स्प्लाइट हो गया और ये फोर टर्म्स हो गए, वन टू थ्री फोर, ये सब आप नाइन्थ टेंथ तक पढ़ चुके हैं। ये दो दो की पेयर बन गए, इन दोनों में कॉमन हो गया एक्स, एक्स कॉमन आप ले लीजिए, एक्स माइनस टू इसको मिटा देते हैं, समझोगे कि आपने जो है अपान का साइन लगाया है। अब इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो ये माइनस कॉमन होगा, कुछ नहीं है वन कॉमन है, वन सब में कॉमन होगा। अब यहाँ से हो गया माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसमें कॉमन टर्म को पहले लिखते हैं, बच्चे क्या करते हैं कॉमन टर्म को बाद में लिख देते हैं, कॉमन टर्म को पहले लिख लीजिए, आपको मिला एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू, इसको जीरो करो टू एंड एक्स इक्वल टू वन, ये हो गया। तो इसके दो जीरोज हमको मिल गए, x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू वन। अब क्वेश्चन एक्चुअली यह है कि शो इन टेबुलर मेथड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड से शो करना है, और फिर सेट बिल्डर मेथड से भी शो करना है। कैसे शो करेंगे? देखो एक्चुअली सेट बिल्डर मेथड यही है, कैसे शो करेंगे? तो आपका ये हो गया रोस्टर मेथड से, अगर रोस्टर मेथड से शो करना,
जीरोस, जीरोस लिखिए या रूट्स लिखिए, जीरोस नहीं लिखेंगे, रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो क्या है, उसको एक सेट से डिनोट करेंगे, सेट ए इक्वल टू, तो अब इसके जीरोस को यहां सॉल्व करके मैंने दिखा दिया कि इसके जीरोस टू एंड वन है। अब इस जीरोस को ऐसा लिख लो टू एंड वन। अब इसमें एक और चीज है कि अब इसके ऑर्डर पर भी हम नहीं ध्यान देंगे, आप टू वन भी लिख सकते हैं या वन टू भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं समझेंगे कि एक ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। टू वन भी हम लिख सकते हैं या फिर वन एंड टू भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रोस्टर मेथड से हुआ। अब इसी को अगर टेबुलर मेथड से बिल्डर मेथड से शो करना होता तो आप बिल्डर मेथड से कैसे शो करते हैं, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बाय बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड से अगर आपको शो करना हो, बिल्डर मेथड से शो करने के लिए आप ऐसे लिखेंगे सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए जीरो, सॉरी एक्स इज ए रूट, बार बार जीरो आ रहा है, एक्स इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये हो गया, हमें लगता है अच्छा समझ में आ गया होगा रोस्टर और टेबुलर मेथड क्या है और दूसरा सेट बिल्डर मेथड क्या है। तो सेट बिल्डर मेथड में आप वो जो सेट आपको दिए हैं उस सेट के एलिमेंट्स आ कैसे रहे हैं, बन कैसे रहे हैं, क्या रिलेशंस हैं उनके कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स में, ऑब्जेक्ट्स में, उस रिलेशन को देखते हुए उसको ऐसे लिखा जाता है। सेट बिल्डर मेथड और सेट टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड में उसके एलिमेंट्स को बाय फिगर आप किसी भी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये कोई मायने उसका नहीं रखता है। तो ये आपका सेट बिल्डर टेबुलर मेथड है और ये आपका सेट बिल्डर मेथड है। हम लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे द्वारा भेज दिए जाएंगे, आप उसको समझिए, अच्छे से पढ़िए, क्लास को देखिए, जो नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, विद इन 24 आवर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं क्लास को आगे लेकर चलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।